हे गाइस, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने सोचा चलिए अब वीडियो बनाते हैं। और मैं वीडियो बनाने का वैसे कोई मन नहीं था, पर मैंने अपनी साड़ी का वो सही करने वाली थी, अलमारी, तो मैंने कहा चलो अब अलमारी भी सही कर दूंगी और अपना साड़ी कलेक्शन भी आप सबको दिखा दूंगी। कुछ बातें शेयर करने से ही अच्छा लगता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं, आप कमेंट्स करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आपको अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सी साड़ी है और मुझे कौन सी अच्छी लगती है और आपको मेरी साड़ी कौन सी अच्छी लगती है, आप भी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। तो ज़्यादा मदद मिल जाएगी अगर जो आपको साड़ी अच्छी लगेगी, मैं ज़्यादातर उसी साड़ियों में वीडियोज़ बनाया करूँगी। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं अपनी साड़ी कलेक्शन। और अलमारी बहुत खचाखच भरी हुई है तो उसको भी सही हो जाएगी, वो भी कहेगी चलो आज तो मेरे को सही कर दिया ना। तो चलते हैं। ये देखिए गाइस, साड़ियाँ मेरी कैसे मतलब भरी हुई हैं। जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कौन सी पहनती, क्योंकि वैसे खचाखच भरी हुई थी, समझ ही नहीं आएगा ना कौन सी साड़ी, किसका ब्लाउज कहाँ रखा, किसका पेटीकोट कहाँ रखा है। तो आज इनको लगाती हूँ अच्छे से। तो देखिए गाइस, इतनी सारी साड़ी और मुझे बताओ मैं इनमें सब पहन चुकी हूँ, आप सब साड़ी देख चुके हो मेरी वीडियोस में। और भैया ना, अगर एक साड़ी का दो बार आप तीन बार वीडियो डाल दो फिर कमेंट्स पता क्या आता है, आपके पास क्या एक ही साड़ी है, आपके पास और कुछ साड़ी नहीं है, पता क्या होता है, हमें जो साड़ी अच्छी लगती है वही साड़ी तो पहनेंगे ना यार, जो नहीं अच्छी लगती मुझे मैं मन ही नहीं करता है। और फिर तुम आप लोग कमेंट करते हो एक ही साड़ी है आप पे और साड़ियाँ नहीं, साड़ियाँ मेरे पास बहुत है पर भाई है ना जो चीज पसंद आती तो बस दिल तो उसी पे ही रहेगा ना। तो चलते हैं, ये साड़ी इतनी सारी साड़ियाँ इनको अच्छे से फोल्ड करते तय करते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी साड़ी अच्छी लगी और मैं बताऊंगी कि मुझे ये सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी, शायद आपकी और मेरी पसंद एक ही हो सकती है क्या पता। तो आपने उस साड़ी की मेरी बहुत सारी वीडियोज भी देखी होगी, तो चलते हैं तय करते हैं ना। सबसे पहले ये वो साड़ी तो मेरी इसमें है कि जो शादी में थी, शादी वाली साड़ी है, बहुत साड़ियाँ तो अभी अकेले तय करना पड़ेगा। हम उसको जाना आ जाओ ना जाना, ये देखिए स्वाति का सेट बढ़िया, आ जाओ ना मेरी बस की नहीं, चलो इतनी सारी साड़ियाँ कैसे करूंगी मैं तय, एक एक करके। तो चलते हैं गाइस और तय करते हैं, मुझे तो अभी चक्कर आ रही है साड़ियाँ देख के। वो पता है अभी एक अटैची साड़ी मम्मी की शादी में गई थी और या वहाँ भी रखी हुई है, औरिया में भी रखे हुए हैं, वो मैं लेके नहीं आई। तो चलते हैं अभी साड़ियाँ तय करते हैं और अच्छे से अलमारी को लगाते हैं। बने रहिए वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। तो ये साड़ी है मेरी शादी की, ये भी अच्छी लगती है, इसका मैंने ब्लाउज सही नहीं सिलवाया, सॉरी इसका मैंने ब्लाउज सही नहीं सिलवाया, मुझे इसका ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत वैसा सिलवाया, मुझे ब्लाउज का अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जो ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है और इसमें मैंने बहुत कम वीडियोज बनाई है, ज्यादा वीडियोज नहीं बनाई है। और ये साड़ी आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा, सेल लग रही है शेल साड़ी की, शेल आप बताइएगा, इसका पल्लू बहुत अच्छा लगता है मुझे, देखो फोल्ड भी करूंगी ना तो भी मैं ऐसे ही फोल्ड करूंगी, मेरे को साड़ी तय करना भी नहीं आता। और गाइस कमेंट पता है बहुत सारे ऐसे आते कि स्वाति करती क्या है, और पता है हर चीज नहीं दिखा सकते ना यार ब्लॉग में है, जो नॉर्मल काम होते हैं। अच्छा आप लोग भी आई थिंक हाउस वाइफ होगी और आप लोग भी काम करते, आपसे अगर कोई आपके हस्बैंड या फिर कोई बोले आप दिन भर करती क्या हो तो आपको बुरा नहीं लगता होगा, हाँ तो वही अगर आप लोग बोलते ना कि स्वास्थ्य दिन भर करती क्या, हम हर चीज नहीं दिखा सकते यार ब्लॉगिंग में, डेली का काम नहीं दिखा सकते,
हर कोई करता, मैं अलग अलग थोड़ी ना करती हूँ। और हम मैं अपनी वीडियोस के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। बहुत से कमेंट्स आते हैं, दिन भर वीडियोस बना सकती हूँ, बनाती रहती हूँ, कोई काम नहीं है। बहन आप क्या दिन भर किचन में ही बनी रहती हो क्या? आपको भी तो और भी काम होते हो। आप चलो आप वीडियोस में आप सोते होगे, आप वीडियोस देखते होगे, तो हर किसी का फ्री टाइम भी तो होता है ना। फ्री टाइम में ये तो है नहीं कि हम पूरा दिन वीडियोस ही बनाते रहेंगे। हमें सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए एक घंटा चाहिए होता है, वो हमारे पास होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में बहुत से काम हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं तय कैसे करूँ। तो ये फंस रही है सारी बहुत। तो यार फंस रही है ना ये साड़ी, भारी साड़ी तो इससे तय भी नहीं हो पाती है ना। कितना भी अच्छा आप कोशिश करो कि वो अच्छे से तय कर लो, फिर वो अच्छे से हो ही नहीं पाती है। तो मैंने इसको तय कर लिया है, जैसी भी हुई है वही कहीं ना कहीं से निकली आती है ना यार, हो ही नहीं पाती है। चलो फाइनली एक साड़ी मेरी तय हो गई है, अब उठाती हूँ दूसरी साड़ी को। इसका ब्लाउज भी ढूंढना पड़ेगा। ये इसका ब्लाउज है। मैंने ये पहन, मैं ज्यादा बैक पे अपने डिजाइन नहीं करवाती, मतलब ब्लाउज में ज्यादा सिंपल ही पहनती हूँ। और मुझे ब्लाउज ज्यादातर इतना मतलब फुल स्लीव, फुल स्लीव पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, इतना या फिर इतना नहीं अच्छा लगता मुझे, फुल अच्छे लगते हैं। और मैं पीछे कोई डिजाइन नहीं करवाती, सिर्फ अच्छा सा मतलब गला हो और डोरी लगवाती, ज्यादा डिजाइन नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें बनवाई थी सो मुझे अच्छी नहीं लगता है, इसलिए मैं ये साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। मुझे पहले साड़ी तय करना नहीं आता था, मैं साड़ी तय करती थी ऊपर नीचे, तब मुझे किसी ने बताया कि साड़ी को ना साड़ी को जहाँ फॉल लगी हो ना वहां से तय करो, क्योंकि साड़ी नीचे से ज्यादा भारी होती है और ऊपर हल्की होती है, तो अगर आप ऊपर से करोगे तो नीचे तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छे से नहीं हो पाएगी तय। तो इसलिए साड़ी को वहां से तय करो जहां से फॉल लगी हो। तो अब मैं साड़ी को नीचे से करने लगी हूँ तो अच्छे से हो जाती है। Thank you.
ऑनलाइन ये साड़ी एक ऐसी रेड थी और एक पिंक थी है
तो जब हम नोएडा में रहते थे ना, जब मैं कॉलेज में नोएडा में थी, जब आयरन हुए थे तो फर्स्ट टाइम करवा चौथ में मैंने इस साड़ी पे मैंने ये लेस लगवाई हुई थी। मैंने कहा ये साड़ी मैंने पहनी हुई थी, मैं देखी हूँ वीडियो भी, ये साड़ी मैंने खुद लेस लगवाई हुई थी, लेस पसंद थी तो ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद थी। अंकल फिर फर्स्ट टाइम मुझे साड़ी दी थी, गिफ्ट फर्स्ट टाइम अंकल फिर मुझे साड़ी गिफ्ट की थी, तो ये साड़ी अच्छी लगती है मुझे। वही साड़ी को मैं हमेशा अपने पास रखूँगी हमेशा, ये पहली साड़ी जो अंकल से मुझे गिफ्ट की। इसमें मैंने सब कुछ करा था, फॉल और इसका ब्लाउज भी है, इसमें सब कुछ करा था। जब फर्स्ट टाइम मैंने अंकुश के लिए शादी से पहले बात रखा था ना, तो मैंने यही साड़ी पहनी थी। अभी ये मत कहना कि शादी से पहले फास्ट क्यों रखा भाई, हमें पता था हमारी शादी होगी और अपने फियांसे के लिए तो फास्ट रख ही सकते हैं ना। साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी, मेरी सबसे ज्यादा सारी साड़ियों से अच्छी मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है। ये साड़ी भाई मतलब फेवरेट साड़ी, मतलब बहुत ज्यादा साड़ी अच्छी लगती है मुझे, कितनी पसंद है, मैं इससे कभी बोर नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि आप एक ही साड़ी को, आपके पास एक ही साड़ी है, नहीं ऐसा नहीं है, जो चीज़ पसंद होती ना उससे आप कभी बोर नहीं होते। फिर कमेंट्स कैसी भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। तो आपको मैं बताऊंगी मेरी फेवरेट फेवरेट से साड़ी साड़ी कौन सी है, वो अलग रखूंगी। सबसे फेवरेट तो यही है, पहले नंबर पे तो यही आती है। ये साड़ी भी मेरी फेवरेट है, ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये साड़ी इतने अच्छे से पहन जाती है ना, तो जो साड़ी मुझे अच्छे से पहन जाती है बस मेरी वही साड़ी फेवरेट है। तो ये साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा।
ज्यादातर मैं ये साड़ी कैरी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी साड़ी पसंद आई है, कौन सी जी जो मुझे आई है कि आपको ही वो पसंद आई है, देखते हैं हमारे विचार को। बस मैं अपनी वीडियोस को ना एडिट नहीं करती ज्यादा, जो है वो डाल देती हूँ मैं, ऐसा तो गलत बोलती नहीं हूँ वीडियो। पहनी एक बार भी नहीं है। हाँ रहने तो पहनी तो थी। आपको दिखा दूँ कि मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ियाँ कौन सी और सो साड़ियाँ कौन सी। ये जो है ये मेरे की मोस्ट फेवरेट साड़ी, ये जो लगी हुई है जितनी साड़ियाँ, ये साड़ी मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब ये साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कितने बार ही पहनूँ मैं बोर नहीं हो सकती इन साड़ियों से। और ये जो साड़ियाँ ये सो है, मतलब ये पहनूँ ना पहनूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपको मेरी कौन सी साड़ी पसंद आई है। ओके
सो फाइनली मैंने अपनी सारी साड़ियाँ लगा दी हैं और कुछ साड़ी भारी भाई नीचे लगा दी हूँ। मैं ब्लाउज में ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लाउज में जब भी कोई निकालना हो मैं निकाल लूँगी ऐसी नॉर्मली देख के। और कुछ साड़ियाँ मैंने यहाँ लगा दी हैं। अभी ये यहाँ पे लहंगा भरे हुए हैं, मैं बाद में देखती हूँ। अभी साड़ियों का नंबर था, मैंने सारी साड़ियाँ लगा दी हैं अपनी फाइनली। अब अलमारी खाली खाली लग रही, मतलब अभी और भी आ जाएंगी साड़ियाँ। ठीक है थक गई यार, इतनी सारी साड़ियाँ मतलब तय करते करते मैं तो थक ही गई। एक साथ ये सारी साड़ियाँ पहली बार मैंने तय की हुई हैं। सो चलिए गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो मैंने कुछ गलत बोला नहीं, अगर बोल दिया हो मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। और थैंक यू सो मच आपने मेरा ब्लॉग देखा और कमेंट्स में बताया कि आपको कौन सी साड़ी मेरी अच्छी लगती है और कौन सी नहीं अच्छी लगती है, मैं कौन सी भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ ये भी बताया, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम मैं वही साड़ी कैरी करूँगी और मैं आई लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा,